तो दोस्तों, बॉलीवुड के एक्टर अक्षय कुमार बहुत जल्द अपनी फिल्म पृथ्वीराज को लेकर आ रहे हैं। दोस्तों बता दें, यह फिल्म हमारे प्राचीन भारतीय गौरव को दर्शाती हुई बनाई जा रही है। दोस्तों बता दें, यह फिल्म इसी साल 5 नवंबर 2021 को दिवाली के मौके पर रिलीज की जाएगी। दोस्तों बता दें, फिल्म की कहानी का पूरा फोकस लड़ाई और प्रेम कहानी पर बनाया जा रहा है, जहाँ पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी से लड़ाई और उनकी प्रेम कहानी दिखाई जाएगी। दोस्तों बता दें, यह फिल्म रियल स्टोरी पर आधारित होगी। बता दें, पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के क्षत्रिय राजा थे, जो 12वीं शताब्दी में अजमेर और दिल्ली पर राज करते थे। बता दें, इस फिल्म में अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान की भूमिका निभाने वाले हैं। बता दें, इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सोनू सूद भी नज़र आने वाले हैं, जो कि एक आम भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं दोस्तों, फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो पृथ्वीराज मूवी को चंद्र प्रकाश द्विवेदी डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करें तो पृथ्वीराज फिल्म को आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है। वहीं दोस्तों, फिल्म के कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ मानुषी छिल्लर, संजय दत्त, मानव वीर जो कि मोहम्मद का किरदार निभाने वाले हैं, और निकिता चड्ढा जैसे कई सारे जाने माने एक्टर नज़र आएंगे। और दोस्तों, फिल्म के बजट की बात करें तो आपको बता दें, यह फिल्म 300 करोड़ से ज़्यादा के बजट में बनाई जा रही है। वहीं दोस्तों, फिल्म की शूटिंग लोकेशन की बात करें तो पृथ्वीराज फिल्म की शूटिंग राजस्थान में की जा रही है। वहीं दोस्तों, आप बात करें फिल्म के रिव्यू की तो दोस्तों आपको बता दें, अक्षय कुमार की पृथ्वीराज चौहान मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होने वाली है, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी काफ़ी धमाल मचाने वाली है। पिछली फिल्मों को देखा जाए जो प्राचीन भारतीय के गौरव को दर्शाने वाली फिल्में बनी है, सभी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही धमाकेदार साबित हुआ है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।